नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विधायक ने किया प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन। भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही ने सोमवार को खरौंदी प्रखंड प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद विधायक ने नव निर्वाचित महिला प्रमुख आभा रानी को प्रमुख बनने पर उन्होंने हार्दिक बधाई एवं स्वागत किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गढ़वा जिला का एक खरौंदी प्रखंड है जो कि झारखंड और उत्तर प्रदेश के सीमा पर अवस्थित है। विधायक ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से अपील किया कि आप सभी अपने अपने पंचायत के मुखिया हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद या प्रमुख हो, सभी से कहा कि आप लोग ईमानदारी एवं निस्वार्थ भाव के साथ सेवा करें। अगर आप सही कार्य करिएगा तो आपको जनता कभी नहीं भूलेगा। वहीं पर मौजूद नवनिर्वाचित प्रमुख आभा रानी ने कहा कि आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे जैसे महिला को प्रखंड प्रमुख का कुर्सी आप सभी ने दे दिया है। उन्होंने खरौंदी प्रखंड वासियों को दिल से हार्दिक बधाई, हार्दिक स्वागत बोला। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन विधायक ने किया। प्रमुख आभा रानी ने कहा कि हमारे प्रखंड में जो भी व्यक्ति के साथ जो समस्या हो हमसे डायरेक्ट संपर्क करें, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आवास जैसे अन्य कार्यों को जाँच कर निष्पादन करूँगी। जो आप सभी मुझे दायित्व सौंपे हैं उसे मैं ईमानदारी एवं निस्वार्थ भाव से कार्य करूंगी। वहीं पर मौजूद भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही, नवनिर्वाचित प्रमुख आभा रानी, कुपा पंचायत मुखिया प्रमोद राम, कुपा पंचायत समिति सदस्य पूर्णिमा देवी, विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र दास, जितेंद्र यादव, प्रखंड अध्यक्ष संध्या कर विश्वकर्मा, वीडियो गणेश महतो एवं सभी पंचायत के मुखिया तथा पंचायत समिति सदस्य एवं सभी जनप्रतिनिधि तथा गणमान्य लोग उपस्थित थे। खरौंदी से विजय कुमार की रिपोर्ट। प्रखंड मुख्यालय में जनता द्वारा नवनिर्वाचित प्रमुख श्रीमती आभा रानी जी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। प्रखंड मुख्यालय के जोड़ने वाला 50 लाख रुपये के लागत से बना हुआ PCC का उद्घाटन किया गया। इसके बीच में जनताओं के जितने जनता यहां इकट्ठा हुए थे, प्रमुख जी ने और हमने नए जनप्रतिनिधियों की क्या जिम्मेवारी है, कैसे आगे खरौंदी प्रखंड को ले जाना है, सुंदर स्वस्थ और मजबूत विकासशील प्रखंड हम लोगों को बनाना है, यह जनता के सामने प्रमुख सहित सभी जनप्रतिनिधियों ने हम लोगों ने संकल्प लेने का काम किया है। मैंने इन लोगों को विश्वास दिलाया है कि बड़ा भाई के नाते जहां कहीं ज़रूरत हो पंचायत प्रतिनिधि को हम सहयोग के लिए खड़ा रहे। सर, खरौंदी प्रखंड की एक और समस्या है चिकित्सा को लेकर, और अस्पताल जो है बन के कई सालों से पड़ा हुआ है, तो उसके लिए कुछ है वो भी आप ही के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन आप लोग एक संवेदनशील पत्रकार है और कुछ महीना पहले बजट सेशन में हमने क्या विधानसभा में बोला वो आप लोगों ने सुना भी है, और मंत्री ने क्या जवाब दिया वह भी आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हर हालत में मई महीना में खरौंदी का अस्पताल चालू हो जाएगा। बन्ना गुप्ता जी ने आश्वासन दिया था, वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। अब मई के बदला में जुलाई आ गया। अब पता नहीं मंत्री को ये बात याद है कि नहीं कि हमने सदन में क्या घोषणा किया है, या यह ढपुरसंखी सरकार है, ढपुरसंखी मंत्री हैं जो जनता के लिए बोलते तो कुछ और हैं लेकिन करते कुछ नहीं। और सर, हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर पर हमने अस्पताल बनवाया है तो हमारी जवाबदेही है, हमारी सरकार आएगी और हम लोग अस्पताल को चलाएंगे। तो कहीं ऐसा तो पक्ष विपक्ष की बात आ रही है? नहीं, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। आपके मिथिलेश ठाकुर जी के यहाँ सारे अस्पताल बंद हैं। मिथिलेश ठाकुर जी के यहाँ भी अस्पताल बंद है, डॉक्टरों का कमी है और सरकार की इच्छा शक्ति का भी कमी है। सर, ब्लॉक की स्थिति बहुत खराब है, जर्जर दिखाई पड़ रहा है। हमने आज प्रखंड विकास पदाधिकारी जी को इसके लिए कहा है, हमने कहा है कि आप और प्रमुख जी एक हमको पत्र दीजिए और हम भवन निर्माण विभाग को लिखेंगे और ये जो जर्जर होते जा रहा है, चूँकि लगभग 15-16 साल इस भवन का हो भी गया है, तो हम लोग इसको मरम्मती के लिए कराने का काम हो गया ना। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ग्रीन लाइन न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। रांची ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का ब्रांच गढ़वा शहर नारायणपुर टंडवा में खोला गया है। प्री नर्सरी से क्लास 6 तक
नामांकन प्रारंभ है, जहां बच्चों के लिए डिजिटल व एसी क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब एवं बस की सुविधा उपलब्ध है। 9031474750 पर संपर्क करें।